हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जस्ट फॉर स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जो हिमाचल प्रदेश पटवारी का एग्ज़ाम हुआ था 13 अगस्त 2016 को। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर था और 90 मिनट्स जो है टाइम था। तो उसमें जो है 4 सेक्शन थे, हिंदी, इंग्लिश, जीके और मैथमेटिक्स। तो हम पहले जो है जीके पोर्शन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, वैन वर द पंजाब हिल एरियाज ट्रांसफर टू हिमाचल प्रदेश। तो पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों का हिमाचल प्रदेश में कब स्थानांतरित हुआ? तो पंजाब के जो पहाड़ी क्षेत्र रहते थे, कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति, शिमला, नालागढ़, ऊना, वे जो है 1 नवंबर 1966 को ट्रांसफ़र किए गए थे पंजाब से हिमाचल प्रदेश के लिए। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहता है। नेक्स्ट है, बुंडा उत्सव शिमला, कुल्लू तथा मनाली में मनाए जाने वाला किससे संबंधित है? तो बुंडा फेस्टिवल की बात करें तो ये परशुराम जी से संबंधित है, ऑप्शन ए। कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करती है? तो हिमाचल को तिब्बत से कौन सी श्रृंखला अलग करती है? झास्कर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द कमांडर ऑफ द गोरखा आर्मी हु अटैक्ड हिमाचल प्रदेश इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 19th सेंचुरी? तो 19वीं शताब्दी के पहले दशक में हिमाचल प्रदेश पर आक्रमण करने वाली गोरखा सेना का कमांडर कौन था? तो कौन था? अमर सिंह थापा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, 1809 ईस्वी में ज्वालामुखी संधि किस किस के बीच में हुई? तो ज्वालामुखी संधि की बात करें तो ये किसके बीच में हुई थी? संसार चंद तथा राजा रणजीत सिंह के बीच में हुई थी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, विच इज़ द ओल्डेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश में सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो कौन सी है? शानन जल विद्युत परियोजना, जो कि जोगिंदर नगर में है। तो ये 1926 में स्थापित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झांझर किस जिले का लोक नृत्य है? तो झांझर इज अ फेमस डांस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट? तो झांझर की बात करें तो झांझर जो है चंबा का फोक डांस है, यानी कि लोक नृत्य है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा में जो है कितने सदस्य चुने जाते हैं? 3। तो जो करंट जो राज्यसभा मेंबर्स हैं हिमाचल प्रदेश से, वो है विप्लव ठाकुर, आनंद शर्मा और जेपी नड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम विच टाउन ऑफ हिमाचल प्रदेश इज रिसेंटली सेलेक्टेड टू बी डेवलप्ड एज स्मार्ट सिटी? तो भारत सरकार की योजना के अंतर्गत हाल ही में चुना गया हिमाचल प्रदेश का कौन सा शहर स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा? तो कौन सा था? धर्मशाला, ऑप्शन बी। हु लेड द सुकेत सत्याग्रह ऑन 18th February 1948? तो 18 फरवरी 1948 को हुए सुकेत सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? पंडित पद्मदेव जी ने, ऑप्शन डी। विच ग्रुप ऑफ रिवर्स फ्लोज इन टू द बे ऑफ बंगाल? तो निम्न में से कौन सी नदियों का समूह बंगाल की खाड़ी में गिरता है? तो कौन सा समूह गिरता है? ऑप्शन ए, ब्रह्मपुत्र, गंगा और गोदावरी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वायुमंडल की परतों की पृथ्वी के सतह के ऊर्ध्वाधर अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इनको जो है अरेंज करना है लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर वर्टिकली। तो इसमें जो सही आंसर रहता है वो रहता है ऑप्शन सी। तो पहले कौन सी लेयर आती है? ट्रोपोस्फेयर, फिर आती है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर आती है मेजोस्फेयर और फिर आती है थर्मोस्फेयर। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट्स इन? तो मानव पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, तो कहाँ से प्रारंभ होती है? ओरल बकल कैविटी से, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, विच अबंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट मैमल्स? तो स्तनधारियों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है, दे पोजेस हेयर ऑन द बॉडी, ये सही है। सम ऑफ देम ले एग्ज, तो ये भी सही है। थर्ड है, दियर हार्ट इज थ्री चैम्बर्ड, और फोर्थ है, सम आर एक्वाटिक, तो फोर्थ भी सही है। तो जो इसे पूछा कि जो सही नहीं है, तो थर्ड जो है सही नहीं है, क्योंकि जो स्तनधारी होते हैं मेंबर्स, वो जो है फोर चैम्बर्ड हार्टेड होते हैं। तो ऑप्शन सी इसका गलत आंसर है। नेक्स्ट है, विच वन अमंग द फॉलोइंग मेटल इज मेनली यूज्ड इन मोबाइल फोन बैटरीज? तो कौन सी धातु जो है मोबाइल फोन की बैटरी में मुख्यतः इस्तेमाल होती है? तो कौन सी होती है? ऑप्शन डी, लिथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक कंप्यूटर भाषा नहीं है? तो इन द फॉलोइंग विच इज़ नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज? तो बेसिक, C++ और जावा जो है कंप्यूटर लैंग्वेज है, पेंट ब्रश जो है कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। इन इंडस वैली सिविलाइजेशन विच अमंग द फॉलोइंग वाज पोर्ट सिटी? तो निम्न में से कौन सा बंदरगाह शहर सिंधु घाटी सभ्यता में था? तो कौन सा था? ऑप्शन सी, लोथल। पूर्ण स्वराज वाज अनाउंस्ड इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन ऑफ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्यों की घोषणा की गई थी? तो कौन से सेशन में की गई थी? लाहौर सेशन में। तो ये कब हुआ था? 1929 में हुआ था। तो इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे जवाहरलाल नेहरू।
नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज गिवन फॉर एक्सलेंस इन स्पोर्ट्स कोचिंग, तो खेल प्रशिक्षण में उत्कृष्टता के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार निम्न में से कौन सा है? तो कौन सा है? द्रोणाचार्य अवार्ड। तो ये कब स्टार्ट हुआ था? 1985 में फर्स्ट टाइम दिया गया था। नेक्स्ट है, विच टीम वॉन द IPL 9 टूर्नामेंट ऑन 29 मई 2016, तो 2016 में जो है IPL की प्रतियोगिता किसने जीती थी? तो ये जीती थी सनराइडर्स हैदराबाद ने हराया था रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को 8 रन से। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द प्रोग्राम लॉन्च इन 2015 बाय द गवर्नमेंट कीपिंग द फीमेल पोर्टिसाइड इन माइंड, तो नारी भ्रूण हत्या को मद्देनजर रखते हुए 2015 में सरकार द्वारा प्रवर्तित कार्यक्रम निम्न में से कौन सा था? तो कौन सा था? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, हु एड्रेस द ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, तो संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? तो कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियोडिकल विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द सी टू लैंड कॉज समर मानसून इन इंडिया, तो भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून का कारण बनने वाली आवर्ती हवाएं समुद्र से धरातल की तरफ बहती है, तो ये बहती है दक्षिण पश्चिम की तरफ, ऑप्शन सी। मैत्री एक्सप्रेस रेलवे सेवा किससे संबंधित है? तो ये किसके बीच में है? भारत और बांग्लादेश के बीच में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ केरोसिन ऑयल इफ द टू आर मिक्स देन, तो जल का घनत्व केरोसिन तेल से के घनत्व से अधिक है, तो यदि दोनों को मिला दिया जाए तो क्या होगा? केरोसिन जल के ऊपर जो है तैरेगा, ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट देखते हैं हिंदी सेक्शन। तो हिंदी सेक्शन में पहला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो उसमें पूछा है कुल संख्या कितनी है, तो उच्चारण के आधार पर जो है स्वरों की संख्या है 10 और लेखन के आधार पर है 13, तो 13 इसका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए विकल्प वाक्यों में रेखांकित शब्दों की वर्तनी के लिए 4-4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक विकल्प में शब्द की वर्तनी शुद्ध है, उस विकल्प को चुनिए, तो शुद्ध शब्द चुनना है। तो पहला क्वेश्चन है, इस पुस्तक के अंत में 2 परिशिष्ट दिए गए हैं, तो परिशिष्ट का जो शुद्ध रहता है वो रहता है परिशिष्ट, ऑप्शन सी, यानी कि अपेंडिक्स। व्यावहारिक रूप से आपकी बात ठीक हो सकती है, तो शुद्ध शब्द इसमें जो रहता है वो रहेगा ऑप्शन बी, व्यावहारिक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट है, निरुत्तर शब्द का सही संधि विच्छेद कीजिए, तो निरुत्तर शब्द का सही संधि विच्छेद रहता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं, कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं समास, ऑप्शन बी। नीलकमल में कौन सा समास है? तो नीलकमल में जो कौन सा समास है? ऑप्शन सी, कर्मधारय नीला है जो कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो विज्ञान शब्द में जो उपसर्ग है वो है वी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में कुछ शब्द विशेषण है उसका भेद छांटिए, कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे, तो इसमें है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसके बाद है मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए, तो पहला मुहावरा है अंतर के पट खोलना, तो इसका आएगा वेग से काम लेना, मंत्र फूंकना इसका आएगा बहका देना। नेक्स्ट है, दामनी का पर्यायवाची शब्द है, तो दामनी का पर्यायवाची शब्द रहता है विद्युत। मृदुल का विलोम शब्द क्या है? तो मृदुल का जो विलोम शब्द रहता है वो रहता है रुक्ष, तो मृदुल का अर्थ है कोमल मुलायम और रुक्ष का रहता है रुखा या नीरस। नेक्स्ट है, सही विकल्प चुनिए, तो जंगल में लगने वाली आग, तो जंगल में लगने वाली आग को कहते हैं दावानल, ऑप्शन बी। कष्ट से संपन्न होने वाला, तो कष्ट से संपन्न होने वाला इसका रहेगा कष्ट साध्य, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए 4-4 विकल्प दिए गए हैं, उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो पहला है, समाज के जाति और धर्म के खेमों में बंटने से राष्ट्रीय प्रगति पर गंभीर डैश लगे हैं, तो इसमें जो है रिक्त स्थान बढ़ना है तो इसमें आएगा प्रश्न चिन्ह लग गए हैं। केवल पुस्तकीय ज्ञान छात्रों की मौलिक प्रतिभा का जो है उन्मेष नहीं कर सकता, ऑप्शन बी। वस्तुतः सच्चा मनुष्य वही है जो मानवता का आदर करे, ऑप्शन डी। महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात जो है विग्रह थे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्न वाक्यों में से कौन सा मिश्र वाक्य है? तो मिश्र वाक्य कौन सा है? ऑप्शन सी, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। वह स्टेशन पहुंचा और गाड़ी छूट गई में से मैं कौन सा वाक्य है? तो उसमें जो है संयुक्त वाक्य है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, अंश अंश शब्द युग में सही अर्थ भेद
चयन कीजिए, तो उसका जो सही अर्थ रहता है वो रहता है कंधा वा हिस्सा। वाक्यों के त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए, तो उसमें जो त्रुटिपूर्ण भाग है वह है ऑप्शन सी, उतना किसी अन्य उपाय से नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कंठ्य वर्ण है, तो इसमें कौन सा कंठ्य वर्ण है, और जो है कंठ्य वर्ण है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्यों में जो है पहला और सिक्स जो है नंबर आपको दिया गया है, तो बाकी के जो बीच के चार है इनको जो है सही वाक्यों का निर्माण करना है, तो उसमें जो सही क्रम रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, वॉयो लॉरो, यानी कि गत 80 वर्षों के राजनीतिक आर्थिक संघर्षों ने हमारे दिमाग को इतना भोथरा बना दिया है कि संस्कृति की सुकुमार दुनिया हमारी पथराई आंखों के सामने आकर भी नहीं रह पाती, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट आता है इंग्लिश सेशन, तो इंग्लिश सेक्शन में जो है क्वेश्चन नंबर 26 to 28 के लिए जो है पैसेज दिया गया है, तो पैसेज के लास्ट में जो है 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इनको जो है देखना है। तो पैसेज है, मैन इज द आर्किटेक्ट ऑफ हिज ओन फेथ, इफ ही मेक्स अ प्रॉपर डिविजन ऑफ हिज टाइम ही इज श्योर टू प्रॉस्पर इन लाइफ, बट इफ ही डजंट अदरवाइज इफ ही डज अदरवाइज ही इज श्योर टू रिपेंट, टू किल टाइम इज सिंपल, यूथ इज गोल्डन सीजन ऑफ लाइफ, इफ वी लूज दिस टाइम वी विल हैव टू रिपेंट द होल ऑफ आर लाइफ। तो पहला क्वेश्चन है, हु स्पॉइल्स अ मैंस लाइफ, तो इसमें आएगा मैन हिमसेल्फ स्पॉइल्स हिज लाइफ। नेक्स्ट है, इन ऑर्डर टू प्रॉस्पर इन लाइफ मैन शुड मेक बेस्ट यूज ऑफ, तो बेस्ट यूज ऑफ टाइम ऑप्शन बी। इफ वी आर नॉट केयरफुल इन अर्ली लाइफ, इन लेट लाइफ वी विल सफर फ्रॉम अ सेंस ऑफ, तो इसमें आएगा सेंस ऑफ लॉस, यानी कि हानि की संभावना ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, इन ईच ऑफ द क्वेश्चन अ सेंटेंस विद वन और मोर ब्लैंक्स हैज बिन गिवन, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन फिल अप द ब्लैंक्स टू मेक द सेंटेंस मोर मीनिंगफुल, तो मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो पहला है, देयर वर डैश व्यूअर्स देन एक्सपेक्टेड, तो इसमें आएगा देयर वर फ्यूअर व्यूअर्स देन एक्सपेक्टेड, कैन यू ब्रिंग मी दोज बुक्स आई लेफ्ट इन द गार्डन ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, वट मैटर्स मोस्ट इज पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ द पीपल ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, द इंसिडेंट हैज डैश सेवर डैमेज टू डैश ऑफ द एम्प्लॉयज, तो इसमें आएगा द इंसिडेंट हैज कॉज्ड सेवर डैमेज टू द मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज ऑप्शन सी, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट करेक्ट कंजक्शन, तो इसमें आएगा वी आर लिविंग ऑन वेडनेसडे वेदर और नॉट इट रेज ऑप्शन बी, पे अटेंशन टू योर वर्क सो दैट यू विल नॉट मेक मिस्टेक्स ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड, तो पहला आएगा द फुटबॉल टीम ट्रेवल्ड बाई ट्रेन ऑप्शन बी, ही टेक्स मच इंटरेस्ट इन पेंटिंग लैंडस्केप्स ऑप्शन सी, रवि हैज़ बीन स्टेइंग इन दिल्ली सिंस ही वॉज 5 ईयर ओल्ड। नेक्स्ट है, वट केप्ट यू बिजी येस्टरडे ऑप्शन सी, फिल द करेक्ट वर्ड इन द ब्लैंक, हिज फर्स्ट फेलियर डिड नॉट डिटर हिम फ्रॉम मेकिंग अनदर अटेम्प्ट ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ फोर अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स, तो इसमें जो है पहला आएगा और डेकोरेटिव हैंड राइटिंग, इसमें जो आएगा डेकोरेटिव हैंड राइटिंग को बोलते हैं कैलीग्राफी ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, फ्लैट मेटल प्लेट फिक्स्ड ऑन अ वॉल एज एन ऑर्नामेंट, तो उसको बोलते हैं प्लेक ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, चूज द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग, तो करेक्ट स्पेलिंग चुननी है, तो इसमें जो आएगा सेकंड आएगा परनिशियस, तो परनिशियस का रहता है तेज घातक हानिकारक या नाशक। नेक्स्ट आता है कॉन्फिडेंशियल, तो इसमें जो करेक्ट स्पेलिंग है वो है ऑप्शन सी, तो कॉन्फिडेंशियल रहता है गुप्त। नेक्स्ट है, चूज द वर्ड विच इज मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन, तो अपोजिट वर्ड देखना है तो बॉदर्ड, तो बॉदर्ड का रहता है परेशान, तो इसका रहेगा अन इंटरेस्टेड यानी कि उदासीन। नेक्स्ट है, डिनाउंस, डिनाउंस का रहेगा ऑप्शन ए एक्सेप्ट। नेक्स्ट है, चूज द वर्ड विच इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन बिलो, तो सिमिलर वर्ड देखना है तो स्टंड का इसका रहेगा सरप्राइज्ड। नेक्स्ट है, गैलेंट्री, तो गैलेंट्री का रहेगा ऑप्शन बी वेलोर। नेक्स्ट है, कंप्लीट द सेंटेंस प्रोवर्ब बाई चूजिंग करेक्ट ऑप्शन, तो बर्ड्स ऑफ अ फेदर इसको बोलते हैं, बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टूगेदर ऑप्शन डी। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग
फॉलोइंग प्रेज इडियम अंडरलाइंड इन द सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो. तो द साइंटिस्ट वर्क फॉर डोंकीज ईयर्स टू अराइव एट अ फॉर्मूला. तो उसमें आएगा अ लॉन्ग टाइम, यानी कि द साइंटिस्ट वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम टू अराइव एट द फॉर्मूला. नेक्स्ट है मैथमेटिक्स क्वेश्चन. तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन व्हाट कम्स इन द फिगर. तो इसमें जो है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा. तो पहले का जो आएगा वो आएगा ऑप्शन बी, यानी कि 5526. तो इनको जो है माइनस करे जो रिमेन बचता है वो बचता है 3071. तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है. नेक्स्ट है दो संख्याओं का एक्स और वाई का महत्तम संवर्तक तथा लघुतम संवर्तक क्रमशः 3 तथा 105 है. यदि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 36 तब 1/x + 1/y जो किसके बराबर होगा वो होगा 4/35 के बराबर. ऑप्शन सी. नेक्स्ट है इन द फॉलोइंग व्हाट कम्स इन द फिगर. तो इसमें जो है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा. तो आपको जो है वैल्यू दी गई है, इसमें जो है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा ऑप्शन सी 100. नेक्स्ट है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग. तो इसको जो है सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर बचता है वो बचता है ऑप्शन डी 43. नेक्स्ट है यदि x इंटू अंडर रूट 0.0016 इज इक्वल टू 4 देन द वैल्यू ऑफ x इज. तो x की जो वैल्यू होगी वो होगी 100. नेक्स्ट है इफ 60% ऑफ x माइनस y इज 40% ऑफ x प्लस y देन व्हाट परसेंट ऑफ x इज y. तो यदि x माइनस y का 60% जो है 40% होगा इंटू एक्स प्लस वाई, तो वाई और एक्स का कितना प्रतिशत होगा. तो वाई जो है एक्स का 20% होगा. ऑप्शन ए. नेक्स्ट है ऑफ द थ्री नंबर्स द रेशियो ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड इज 8:9 एंड दैट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड इज 3:4. इफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड नंबर इज 2400 फाइंड आउट द सेकेंड नंबर. तीन संख्याओं में पहली तथा दूसरी का अनुपात जो है 8:9 है तथा दूसरी और तीसरी का अनुपात जो है 3:4 है. तो यदि पहली तथा तीसरी संख्या का गुणनफल 2400 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए. तो इसमें जो है दूसरी संख्या जो रहेगी वो रहेगी 45. ऑप्शन सी. पहली संख्या रहेगी 40 और तीसरी रहेगी 60. तो पहली और तीसरी का जो है प्रोडक्ट रहेगा 2400. तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है. नेक्स्ट है यदि 2^2x + 4 बराबर है 16^x तो एक्स क्यूब की जो वैल्यू क्या होगी. तो होगी 8. ऑप्शन सी. नेक्स्ट है टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 50% मोर देन द थर्ड नंबर. दीज टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ. तो दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20 तथा 50% अधिक है. तो इन दो संख्याओं का अनुपात क्या होगा. तो इनका अनुपात होगा 4:5. नेक्स्ट है फाइंड आउट द मिसिंग नंबर इन द सीरीज 2, 5, 11, 20, 32, 47, -86. इसमें जो है मिसिंग नंबर देखना है. तो उसमें जो ऐड किया गया है वो किया गया है 2+3 5, 5+6 11, फिर प्लस किया है 9, फिर प्लस किया 12, फिर 15, फिर 18. तो उसमें जो है 15, 18 जो ऐड करेंगे 47 में वो आएगा 65. तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है. नेक्स्ट है ए परचेज्ड सम ऑरेंजेस एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ RS 1200. ही सोल्ड 1/3 पार्ट ऑफ दीज ऑरेंजेस एट अ लॉस ऑफ 20%. इफ ए हैड अ प्रॉफिट ऑफ 10% देन एट व्हाट प्रॉफिट रिमेनिंग ऑरेंजेस वर सोल्ड. तो ए ने संतरों की कुल मात्रा रुपये 1200 में कुल मूल्यों में खरीदी. उसने संतरे का 1/3 भाग 20% हानि पर बेच दिया. यदि ए का कुल लाभ 10% का होता है तो वो बचे हुए संतरे को कितने लाभ पर बेचेगा. तो कितने लाभ पर बेचेगा. ऑप्शन सी. ऑप्शन डी 25%. नेक्स्ट है अ शॉपकीपर इज सेलिंग हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस बट ही यूज 900 ग्राम्स वेट्स फॉर 1 kg. हिज गेन परसेंटेज इज. तो एक दुकानदार जो है कुछ चीज़ें क्रय मूल्य के अनुसार बेच रहा था परंतु 1 किलो के बदले वह 900 ग्राम का बाट लगा रहा था. तो उसका लाभ प्रतिशत जो रहता है वो रहता है 11/1/9%. नेक्स्ट है टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:5. इफ ईच नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10 द रेशियो बिकम्स 5:7 द नंबर्स आर. तो दो संख्याओं में अनुपात जो है 3:5 है. तो यदि दोनों संख्याओं को बढ़ा दिया जाए तो दोनों का अनुपात जो है 5:7 हो जाता है. तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए. तो संख्या रहती है 15:25 और 15:25 को अगर 10 बढ़ाया जाए तो आएगा ये 25/35. तो ये आएगा अनुपात 5:7 में. तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है.
नेक्स्ट है, एट प्रेजेंट द एज ऑफ राम एंड श्याम इज इन द रेशो ऑफ 5:4, आफ्टर 3 ईयर्स द रेशो विल बिकम 11:9, फाइंड आउट द प्रेजेंट एज ऑफ श्याम। तो राम और श्याम की वर्तमान आयु में अनुपात जो है 5:4 है, 3 वर्ष बाद जो है उनकी आयु में अनुपात जो है 11:9 हो जाता है। तो श्याम की वर्तमान आयु कितने वर्ष है, तो श्याम की जो वर्तमान आयु रहती है वो रहती है 24, और जो राम की जो वर्तमान आयु रहेगी वो रहेगी 30। तो 3 वर्ष बाद जो है उन दोनों की आयु होगी, राम की 33 और श्याम की 27, तो ये रहेगी 11:9 में। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, ए तथा बी ने व्यापार प्रारंभ करने के लिए क्रमशः 3500 तथा 2500 लगाए। 4 माह बाद सी भी रुपये 6000 देकर शामिल हुआ। यदि सी के हिस्से तथा बी के हिस्से का अंतर 1973 था तो कुल वार्षिक आय क्या थी। तो कुल वार्षिक जो आएगी वो आएगी कैलकुलेट करके 13180, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, इफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 18 एंड एक्स वाई इज 72, वट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। तो यदि एक्स प्लस वाई जो है 18 है तथा एक्स इंटू वाई जो है 72 है, तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का जो मान रहता है वो क्या आएगा, वो आएगा 180, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, 36 लेबरर्स कंप्लीट अ वर्क इन 14 डेज, इफ द वर्क इज टू बी कंप्लीटेड इन 8 डेज देन हाउ मेनी एडिशनल लेबर्स आर नीडेड। तो 36 मजदूर किसी काम को 14 दिन में पूरा करते हैं, यदि 8 दिन में काम खत्म करना हो तो कितने अतिरिक्त मजदूरों की जरूरत पड़ेगी। तो कितने मजदूरों की जरूरत पड़ेगी, ऑप्शन सी यानी कि 27। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए इज 60% मोर एफिशिएंट देन बी, इफ ए टेक्स 15 डेज टू कंप्लीट द वर्क देन ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन हाउ मेनी डेज। ए जो है बी से 60% ज़्यादा सक्षम है, यदि ए अकेले किसी कार्य को 15 दिन में ख़त्म कर सकता हो तो ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में ख़त्म कर पाएंगे, तो ये ख़त्म कर पाएंगे 9 × 3/13 डेज में। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, सॉल्व इक्वेशन 1 and 2 एंड फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। तो दो इक्वेशनें दी गई हैं 1 and 2, तो इनको जो सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी, एक्स इज लेस देन वाई। नेक्स्ट है, इफ RS 2000 अमाउंट टू RS 2600 इन 5 years एट सिंपल इंटरेस्ट, इफ द इंटरेस्ट रेट इज इंक्रीज बाई 3%, इट वुड अमाउंट टू हाउ मच। तो 2000 रुपये 5 वर्षों में साधारण ब्याज के तहत 2600 रुपये हो जाते हैं, यदि ब्याज दर 3% बढ़ा दी जाए तो ये कितने होंगे, तो ये कितने होंगे 2900 रुपये, ऑप्शन ए। डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ पॉइंट्स -5.7 एंड -1.3, तो अंकों के युग्म के बीच की दूरी है, ऑप्शन बी 4√2। नेक्स्ट है, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द ऑन RS 12600 एट 10% एनम फॉर 2 ईयर्स कंपाउंडेड ईयरली। तो RS 12600 का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए 2646 रुपीज। नेक्स्ट है, इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज डिक्रीज बाई 20%, द फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन इट्स एरिया। तो यदि किसी भी त्रिज्या 20% कम कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत कमी आएगी, तो कितनी प्रतिशत कमी आएगी 36%, ऑप्शन ए। इन द गिवन फिगर ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड एंगल ए बी सी इज 50 डिग्री एंड ए एम इज परपेंडिकुलर टू बी सी देन एंगल एम ए बी इज इक्वल टू। तो यदि दिए गए चित्र में ए बी जो है ए सी के बराबर है, जो एंगल ए बी सी है वो है 50%, और जो ए एम है बी सी पर लंब हो, तो एंगल एम ए बी कितना होगा, तो ये कितना होगा 40 डिग्री, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, एन एरोप्लेन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस विद स्पीड 240 किलोमीटर पर आवर इन 5 आवर्स, इफ द सेम डिस्टेंस इज टू बी कवर बाई 1 × 3 आवर्स, वट विल बी द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन। तो एक हवाई जहाज एक निश्चित दूरी को 240 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 5 घंटे में तय करता है, उसी दूरी को 1 × 2/3 घंटे में तय करने के लिए हवाई जहाज की गति जो क्या होगी, वो होगी 720 किलोमीटर प्रति आवर, यानी कि 720 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन डी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।